जय जगन्नाथ नमस्कार। कालिया कथार आज अध्याय को आपण मान स्वागत। आम गत अध्याय कथा होते कथा तो नहे बर बेढ़ा परिक्रमा करिबा आरंभ करिथिले। दर्शन करी 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 आम पहुंची थिले बट जगन्नाथ निकट रे। बट जगन्नाथ ठारु टिके आग को गले आपण देखिबे सम्मुखरे बा बट मंगलांकर दक्षिण कोण रे एक सुंदर क्षुद्र मंदिर टी अवस्थित अच्छी बटवृक्ष मूल रे। आ से मंदिर टीर नाम बाळमुकुंद मंदिर। ए जो बाळमुकुंद मंदिर जहाँ स्वभाव भाव स्वाभाविक भाव नामकरण एक प्रतीत करौछि से निहाती भाव मुकुंद बा कृष्णंकर शिशु अवतार बा शिशु स्वरूपर कथा। एक फुट उच्चतार कला मुगुनी पथर निर्मित होता एक प्रस्तर निर्मित सुंदर बटपत्र उपरे एक शिशु दिव्य शिशुर साहित्य स्वरूप भगवानंकर शिशु रूप भगवान दक्षिण को मुह करी शयन करिछन्ते शिशु अवस्था रे एवं तांक दक्षिण पाद को नहीं निज मुखरे प्रवेश करैछन्ते। छोट शिशुटिए आपण देखिथिबे जेमिति पादर बुढ़ा अंगुठी को नहीं पाटी रे चुचुमिले ठीक से ही भाव मानवीय लीला को परिप्रकाश करिबा पाई निराकार ब्रह्म साकार लीला को परिप्रकाश करिबा पाई सते जेमिति एमिति एक दिव्य स्वरूप को धारण करथिले। श्रीमंदिर सत्यलिपि अनुजाई प्लॉट नंबर 98 रे ए मंदिर टे निर्माण करा जाय अछि एवं शास्त्र कहंती जितेबले समग्र पृथ्वी प्रलय हला जितेबले प्रलय जल रे उबुटुबु होतिला समग्र पृथ्वी जो कथा लेखिले उत्कलीय महाकवि जयदेव तांको गीत गोविंद रे प्रलय पयोदी जले धृत मानसी वेदम जितेबले समग्र प्रलय जल रे मग्न होतिला ए समग्र सृष्टि सेतेके बेले महाप्रभु ए बाळ मुकुंद बेसरे बट पत्र उपरे साइत होतिले जितेबले मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय ऋषि जाउथिले भासी उद्धरी धरिल बाम करे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजन करे जो कथा मान उद्धारण कर हे तारण शरण मु तुम पाद तले तुम जितेबले भासी भासी जाउथिले अणनिश्वासी ही पड़ुथिले मार्कंडेय ऋषि समग्र सामर्थ्य ए प्रलय जल निकटरे पराहत होउथिले ए बाळन मुकुंद ही तांको सुरक्षा प्रदान करथिले बाम हाथ रे तांको टेकी धरिथिले एवं सुरक्षित रखिथिले तार प्रतीक स्वरूप ए पौराणिक कथा वस्तुर प्रमाण स्वरूप ए बाळमुकुंदंकर मंदिर जहांको दर्शन कले जीवन रे घटुथिबा समस्त सूक्ष्म प्रलय रु मुक्ति पायंती बोली आमे समस्त स्वीकार करू एवं एहाकु ए मंदिर रो रक्षणाबेक्षण एवं प्रतिनित्य पूजा विधि को समापन करिबा पाई प्रतिहारी सेवक मान को दायित्व हस्तांतर करा जाय अछि। श्रीमंदिर कोठ तरफ रु बा संप्रति श्रीमंदिर प्रशासन तरफ रु एक छोट काकेरा मणोही पाई प्रतिनित्य प्रदान करा जाय थाए ए प्रतिहारी सेवक मान को। ए तद व्यतीत प्रतिहारी सेवक माने जागर जन्माष्टमी पणा संक्रांति इत्यादि पर्व मानक विभिन्न पूजा नीति अनुष्ठित कराई थांती ए बाळमुकुंद निकटरे। तम जे भक्त टीए जाए जेमिति आमे बुलिबा आरंभ करिचे एई जेतेबेले बट जगन्नाथ को अतिक्रम करी आपण दक्षिण पार्श्व को देखिबे देखिबे महाप्रभुंकर दिव्य स्वरूप जहाँ को देखिले मनरे दिव्य आनंद भरीज आपण खुशी लगे जे के दिव्य आनंदमय खुशीर समग्र सुषमा सत जमी समाहित हो बाळमुकुंद मूर्ति से जो अपूर्व ठाणी साहित अवस्था जमी महाप्रभु कृपा वितरण करवक देखिले सत जमी मथा आपे आपे नईजी आ देखला बेले समस्त भक्त काले ध्यान करती कहती ना करार बिंदे पदार बिंदम
मुखारविंदे निवेशयंतम कल्प पत्र पुटे साहितम मनस बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। हे प्रभु जे करारविंदे पदारविंदम पाद हाथरे पाद को धरी मुखारविंदे निवेशयंतम मुखरे प्रवेश करैछंती तनु से भली दिव्य बाल मुकुंदंकर मो मन ने स्मरण करी कृपा भिक्षा करुचे प्रभु मो जीवन रे जते बेले दुखर प्रलय आसीबो मो जीवन रे जते बेले जंत्रणार प्रलय आसीबो मो जीवन रे जते बेले पराहत हबार समय आसीबो आपण जेमिति मार्कंडेय ऋषि को बाम करे उद्धार करथिले सेमिति मते मध्य आपणक कृपा नावरे उद्धार करिवे। हे बाल मुकुंद कृपा नावरे मते उद्धार करिवे कारण मु आपणक पाई चिरकाल बाल सदृश शिशु सदृश अबोध सदृश अज्ञात सदृश मोर हेतु नाही आपणक चिन्हिबा आपणक डाकिबा आपणक आपणार करिवार प्रक्रिया मते जणा नाही तेणु मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर जो कथा में प्रत्येक पूजार अंतिम स्वीकार करू तेणु बाल मुकुंद निकट में पुणि थे मथा नत करी आम आउ टे आग को फेरवा। सुतरा बाल मुकुंद को दर्शन कर सारापर से मंदिर भितर आउ टे आखि बुले ने देखिए देढ़ फुट उच्चतार आउ एक सुंदर प्रतिमा सुंदर विग्रह ये बाल मुकुंद मंदिर ठणारे स्थानित होती है बटकृष्ण। बटकृष्ण मंदिर इतिहास कहते काले अतीतरे यह एक स्वतंत्र मंदिर भाव थिला एवं से स्वतंत्र मंदिर भितर बटकृष्ण प्रपूजित होते किंतु कालक्रमे मंदिर जेतेबेले भग्न हो गला सेतेबेले बाल मुकुंद मंदिर भितर बटकृष्ण को स्थानित करागला तेणु अनेक भावती जे बाल मुकुंद जीए बटकृष्ण सीए किंतु यह भ्रमांतक धारणा बाल मुकुंद एवं बटकृष्ण ये उभय एक नुहंती ये भिन्न भिन्न प्रतिमा एवं ये बट कृष्ण जे शंख चक्र धारण करिछंती पूजा कले ध्यान कले दर्शन कले सकल पाप क्षय है बोली शास्त्र स्वीकार करते कहा जाए श्रीमंदिर सत्यलिपि अनुसार प्लॉट नंबर 99 रे बटकृष्ण मंदिर अवस्थित एवं प्रत्येक दिन श्रीमंदिर कोठ बा प्रशासन तरफ एक ओली बल्लभ और एक गोटी काकेरा मणोही करने प्रदान करा जाए था एवं बटकृष्ण सेवा पूजार दायित्व प्रतिहारी सेवक निकट में अच्छे तेरे दर्शन कला बेले आम बाल मुकुंद बटकृष्ण उभय को दर्शन कर गले कहा जाए ना बाल मुकुंदम मम पाप क्षयम करु बोली एक स्वीकार करा जाए उच्चारण करा जाए बटकृष्ण सम्मुखें जे बटकृष्ण मम पापम क्षयम करु तेरा पाप क्षय करने ये ठाकुर को पूजा करा जीवार विधि आज भी जनमानस विश्वास रही विधि रही तेरे आज तो समय हलानी आसंता अध्याय आम आग को बढ़िया निश्चित किंतु आज कथा को आम ये रखा विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।